ग्राफ्स, फर्स्ट ऑफ ऑल विच आर टू लाइन्स, द फर्स्ट वन इज हॉरिजेंटल लाइन एंड दैट इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड द सेकेंड वन इज द वर्टिकल लाइन एंड इट इज नोन एज वाई एक्सिस. And these two lines are joined with each other with a point, and in this point we have the value of zero. So each graph have four quadrant, the quadrant 1, 2, 3, and 4. So every quadrant have the positive and the negative values. As you can see in this graph. So here we have so many different question. The first question is, for which we have to form the graph 0 and 2, minus 5, minus 1, plus 5, plus 5. जैसे हमें ये ग्राफ पे वैल्यूज हैं, ये y एक्सिस है पूरा और ये x एक्सिस. y एक्सिस की एक साइड पे जो हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और एक साइड पे नेगेटिव. इसी तरह x एक्सिस की भी वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव. तो हमें ग्राफ इन वैल्यूज़ की मदद से बनाना है. पहले हम 0 एंड 2 को देखेंगे. ये जो है यहाँ पे होता है 0. हम लोगों ने 0 और 2 को देखना है. ये रहा 0 और ये 2. यहाँ पे हम लोग पॉइंट पुट कर देंगे, 0 और 2 का पॉइंट. तो यहाँ पे 0 और 2 हैं. फिर अगला है हमारे पास माइनस 5 एंड माइनस 1. माइनस 1 जे, माइनस 5 जे. इसी तरह यहाँ का एक पॉइंट आता है ये माइनस 5 एंड माइनस 1. और यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग पुट कर देंगे जो इसका है. और एक और है प्लस 5 एंड प्लस 5. ये रहा प्लस 5, ये रहा प्लस 5. ये यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा लेंगे जो कि ये आ रहा है. अब हम लोग इनको ज्वाइन करेंगे. इन जो हम लोगों ने ये पॉइंट्स लगाए इनको ज्वाइन करेंगे. ठीक है, एक पॉइंट ये था, एक ये और एक ये. अभी हम लोग इनको ज्वाइन कर रहे हैं. तो इस तरह से ग्राफ बनता है. और जो हम लोगों ने वहाँ पे ग्राफ इन वैल्यूज़ का बनाया था इसी का टेबल बनाना है. टेबल के लिए ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास वाई है. तो इसी तरह हम लोग एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे और वाई की जगह ये वैल्यूज़ पुट करेंगे. x है 5, देन 0, देन 5. फिर उसके बाद हमारे पास y जो है वो है 1, 2 एंड 5. तो सॉरी, ये माइनस 1 है, माइनस 5 एंड ये. और x एंड y की वैल्यू ऐसे आ जाएगी माइनस 5, देन माइनस 1, 0, 2, प्लस 5 एंड प्लस 5. तो टेबल इस तरह से बन जाएगा इनका.